कल्पतरू के सभी रहवासियों को, भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा की, और इस विधानसभा के चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूं, और ये विनंती करने आप लोगों को आया हूं कि आप लोग मुझे पहली बार यहां से एमएलए करके चुन करके दें। इससे पहले आपके कल्पतरू बनने के पहले, जो मीरा रोड में पहले से रहते थे, वो जानते हैं कि मैं 91, 96, 2002 नगर सेवक और उपमहापौर रह चुका हूं, दो बार विधान परिषद में सदस्य रहा हूं, राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार विजेता रहा हूं, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बेस्ट स्पीकर अवार्ड, और पार्टी के स्तर पे मैं अपना करियर 1985 ये इस मैनिफेस्टो में पूरा हमने दिया है कि 1985 मीरा रोड की जब आबादी 11,000 की थी, तब मैं वार्ड का वार्ड प्रेसिडेंट था, जस्ट अ वार्ड प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। उसके बाद मैं कॉरपोरेटर बना, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस बना, फिर स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना, स्टेट का प्रेसिडेंट बना यूथ कांग्रेस 1990 to 2004, और 2004 आई बिकेम एन MLC, ऑनरेबल सोनिया गांधी जी अपॉइंटेड मी एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 2008 के अंदर आई वॉज अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंशियल अवार्ड बाय प्रतिभाताई पाटिल एज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एंड पार्लियामेंटेरियन। आई हैड बीन रेजिंग माई वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिकली ऑन द इश्यूज लाइक एनवायरमेंट, लॉ एंड जुडिशरी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर स्टफ लाइक दैट। क्योंकि नगर पालिके में काम किया था, शहर का डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया था, शहर के गार्बेज डिस्पोजल की योजना हमने तैयार की थी, पानी की व्यवस्था की थी। शहर में आज आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, स्मशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड, लाइब्रेरी, मॉर्ग रूम, हॉस्पिटल, एवरीथिंग वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान विच वी फाइनली आई गॉट इन टू एंड मेड इट इन टू एन एग्जीक्यूशन प्लान। बाय एंड लार्ज वो काम हमने पूरा किया। दो डब्बे, दो ट्रैक से चार ट्रैक रेलवे की, मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग 85 में यहाँ रहते थे। मैं तो उस वक्त नगर सेवक भी नहीं था, मगर ट्रेन के 9 डब्बे से 12 डब्बे सीखे। जाफर शरीफ रेलवे मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, उस वक्त हमने की रेल आंदोलन की। कई बार तो दो दो तीन तीन दिन जेल भी गए हम रेल आंदोलन की। राशन की दुकान नहीं थी मीरा रोड, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, ये सब कुछ हमने इन 30-35 सालों में किया, और तब जाकर के ये शहर शहर के रूप में बना। जितने रफ्तार से ये शहर बनता गया, उतनी रफ्तार से हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इंडिया का हाईएस्ट ग्रोइंग माइग्रेटिंग पॉपुलेशन सिटी है ये, एक्सटेंडेड सबर्ब ऑफ मुंबई विच इज मीरा भयंदर। 80s में 75,000, 90s 1.75, 2001 it was 511,000, and 2011 it was 8.768 or something, and now it is 15 lakh। तो आप देख लीजिए, 85 में यहाँ पीने का पानी नहीं था, मीरा भयंदर में 1.5 MLD पानी हमारे फादर ने, जनता दल की मृणाल गोरे हुआ करती थी उस जमाने में, बोरीवली से 1.5 पानी हमने लाया था हमारे फादर ने 60s में। मैं खुद अपने बचपने में, आप जहां पर बैठे हैं आज, आपके कल्पतरू है जहां मेरा मकान है, वहां से बैलगाड़ी में बैठ के मैं दहिसर जाया करता था, दहिसर से ट्रेन से हम पीने का पानी लाया करते। ये जो शिवार का गार्डन है, तालाब है, उसमें आप अंदर जाके देखिए कुआ है उसका, वो कुएं में के अंदर से पीने का पानी मिलता था। हमारा भैंसों का तबेला हुआ करता था, खेती की जमीन होती थी, तो भैंसों के ऊपर बैठ के मैं तबेले का, भैंसों के वो शिवार गार्डन में भैंसों को पानी पिलाने जाया करता था, बैलगाड़ी में जाया करता था। हमने ये शहर को, इस गांव को वो देखा है, और आज हमने शहर देखा है। तो आप सोचिए उस बागबान को कितनी खुशी होती होगी जिसने अपने बगीचे को हरा भरा देखता है। मगर पिछले 5 सालों में ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया, अन्याय बढ़ गया, हुकुमशाही बढ़ गई। लोकतंत्र में इस हुकुमशाही की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र में जनता की आवाज को जो हाथ दे, जनता की आवाज के साथ जो चले, जनता की परेशानी को जो समझे, उसकी जगह होती है।
जनता उम्मीदों से लोगों को चुनती है और जब वो उम्मीद पे पानी फिर जाता है तो जनता को परेशानी खड़ी होती है। पिछले 3 साल में मैं 18 महीने बेड रिटन था, हॉस्पिटलाइज था, 3 मेजर सर्जरीज मुझे अंडरगो करनी पड़ी स्पाइन, और उन 3 सालों में लगातार शहर के लोग मुझसे मिलते थे और मुझसे कहते थे कि साहब आप दरकिनार हो गए हो पॉलिटिक्स से आपके हेल्थ की वजह से, मगर शहर की हालत बहुत खराब है, आपने जहां लाके छोड़ा था वहां से डिटोरिएट हो रही है, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। हर आदमी को, चाहे ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, गाड़ी वाला हो, दुकान वाला हो, मकान वाला हो, स्टेट एजेंट हो, बिल्डर हो, जमीन मालक हो, इंडस्ट्री वाला हो, हर आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा। आप गार्बेज का टैक्स भरते थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स, आपके हाउस टैक्स, आपके ऊपर गार्बेज का डबल टैक्स लगा दिया गया। आर यू अवेयर अबाउट दिस एंड यू पीपल आर स्टिल पेइंग इट? दो आई हैड मेड एन अनाउंसमेंट दैट टाइम, प्लीज डोंट पे, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नथिंग विल हैपन टू यू। टोल टैक्स हटने का वायदा था 5 साल पहले, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? कि बीजेपी हैज मेंशनड इट इन देयर मैनिफेस्टो कि ऑल टोल टैक्स एंट्री पॉइंट्स फॉर बॉम्बे विल बी रिमूव्ड। हैज इट बीन रिमूव्ड? इट स्टिल परसिस्ट, इट स्टिल एग्जिस्ट। मीरा रोड से लोकल ट्रेन की जरूरत है या नहीं? भाईंदर से ट्रेन बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? आपका कचरा का टैक्स हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? आपको पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपका डीम कन्वेंस कन्वेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपके शहर के अंदर कोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ, मगर फिर भी हम सबको गर्व है। टोल टैक्स नहीं हटा, मुझे गर्व है। आपको है? हंसते क्यों है आप, बताइए ना। अगर गर्व है तो कहिए हां मुझे गर्व, नहीं है तो कहिए नहीं है। टोल टैक्स नहीं हटा, मुझे गर्व है। नया प्लेग्राउंड शहर में नहीं बना, मुझे गर्व है। 20 माले की बिल्डिंग में कोई महिला लकड़ी का चूल्हा फूकती थी, उसको गैस की लाइन आ गई 1 करोड़ के फ्लैट में, फिर भी हमको गर्व। आपके नाके पे होर्डिंग लगी है मेट्रो की, वो हजरत जो इसका फोटो है वो रहते हैं पार्ला में, लेकिन भाईंदर में मेट्रो चालू हो गई इसलिए उनको गर्व है। गर्व होना चाहिए था कि अगर हमारे जैसा उनको भी राष्ट्रपति का कोई पुरस्कार मिला होता विधानसभा में तो गर्व होना चाहिए था। मगर क्या आपको गर्व है कि आपके विधायक के ऊपर हाईकोर्ट बोलता है केस रजिस्टर करो, क्रिमिनल केस रजिस्टर करो? क्या आपको गर्व है कि आपका लोक प्रतिनिधि ऐसा हो जिसके ऊपर 22 क्रिमिनल केसेस है? ये तो पब्लिक डोमेन में है, अभी इलेक्ट्रिशियन में हमको फॉर्म भरना पड़ता है, एफिडेविट में लिखना पड़ता है, इट इज इन पब्लिक डोमेन नाउ दिस डॉक्यूमेंट, इट इज इन पब्लिक डोमेन। असेंबली के अंदर उन्होंने कहा, जब आवाज उठी, क्वेश्चन हुआ कि ये क्लब कैसे बना, मैंग्रोव कैसे नष्ट हुए, वेटलैंड कैसे नष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब ग्यारह क्लब मेरा नहीं है। अब एफिडेविट में लिखा है मैं उसका मेजर शेयर होल्डर हूं 98%, तो कौन मालिक हुआ? असेंबली में कहा मेरे पर एक केस नहीं है, अभी एफिडेविट में लिखा है 22 केसेस है। तो जो एफिडेविट गलत देता है, जो शहर के अंदर गवर्नमेंट के लैंड के रिकॉर्ड को बाबूजी कहते हैं 7-12, जमीन के रिकॉर्ड को कहते हैं 7-12, मगर आपको इस शहर में हर जगह दिखता है 7-11। मैराथन आपके पैसे से हुए, 65 लाख रुपया कॉरपोरेशन ने खर्च किया, मगर मेडल पे आया 7-11। देखा है आप लोगों ने, टी शर्ट बनाई महापालिका ने मैराथन की, मगर उसके ऊपर आया 7-11। हमने भी 30-35 साल राजनीतिक जीवन में बिताया है, हमारे परिवार ने तो 50-60 साल लगा दिया, मगर मैं नहीं समझता कि इस शहर में कोई एक व्यक्ति कहता हूं मैं, समाज तो बहुत दूर की बात है, शहर तो पूरा दूर की बात है, कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि हुसैन साहब आपके परिवार पे या आप पे ये दाग है, ये इल्जाम है, ये आप पे करप्शन का चार्ज, कभी सुना है आप लोगों ने? तो हम राजनीति में आई इसीलिए थे कि ये गांव था, हमारा अपना वतन था, गांव था, इसे शहर बनाने का एक सपना था, उसे हमने पूरा किया, मगर कभी हमने फक्र है या गर्व है का बोर्ड नहीं लगाया। कभी पढ़ा आपने
कि मैंने बस लाई तो मुझे गर्व हुआ, हमने पानी लाया तो हमको गर्व हुआ, आपकी सोसाइटी भी 10 साल से है ना। मैं अस्पताल बना रहा था अपना उमराव का, तब मैंने इसमें यहाँ पर आपकी 347 कोई बिल्डिंग में 36 में तो तकरीबन 20 फ्लैट्स डॉक्टर्स के लिए हमने यहाँ पे रखे थे। 2006 में बन रही थी बिल्डिंग, 2006-07 तो मैं विधान परिषद में भी था उसमें, मगर हमने कभी शहर में ये बोर्ड नहीं लगाए। ये दिखावा उसको करना पड़ता है जो कुछ करता नहीं है, जो सब कुछ करता है लोग खुली नजरों से उसे देखते हैं। 2000 के अंदर जब हमने इसको नगर परिषद से महानगर पालिका बनाई, इस शहर की नगर पालिका को, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी आई हुई थी, बॉम्बे एयरपोर्ट पे हम लोग थे, मैडम बैठी थी, विलासराव जी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैंने उनसे कहा कि सर हमारा शहर अभी 3.25 लाख की आबादी हो चुकी है, इसे काउंसिल से कॉरपोरेशन बना दीजिए। वही लेटर दिया उनके हाथ में, मैडम के सामने उन्होंने साइन किया, चीफ सेक्रेटरी को वहीं से फोन लगा के कहा कि मीरा भयंदर को कल डिक्लेयर कीजिए मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था 1990 तक, हमारे रहते रहते हमने 6 पुलिस स्टेशन बनाए, एलसीबी का डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया, ट्रैफिक की पुलिस लाई, 2 डिवाइस भी बिठाए। 5 साल में क्या हुआ लॉ एंड जुडिशरी में मुझे आप बता दीजिए। जो कांस्टेबल है, जो स्टाफ है, उसमें 50% से ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। ट्रैफिक की समस्या शहर में बनी हुई है, हॉकर्स की समस्या बनी है, क्या चीज की समस्या का समाधान हुआ आप बता सकते हैं? शहर में घूमते हैं शाम में तो स्टेशन से दहीसर चेक नाके जाने का आधा घंटा लगता है। कोई चीजों में समाधान नहीं है, मगर करप्शन महापालिका में बड़ा, 750 करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी 5 साल में कर्जे में चले गई है, 750 करोड़ ऑफ लॉसेस डेफिसिट इन द बजट। कहां गए ये पैसे? हमने भी 91 से लेकर 2014 तक नगर पालिका और महापालिका चलाई, मगर ये हालत कभी नहीं। 25% कोई व्यक्ति लेता है, पब्लिकली नोन फिगर है ये, पब्लिकली नोन फिगर, आई डिड नॉट मेंशन द नेम, पब्लिकली नोन फिगर है कि 25% देंगे तो टेंडर होता है, देंगे तो सब कुछ होता है। सारे टेंडर्स खुद ही के लोग, एसटीपी क्यों चालू नहीं हुआ? क्योंकि टेंडर खुद को चाहिए। बसेस क्यों नहीं चालू हुई? क्योंकि टेंडर्स खुद को चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपके यहां पे शहर में कॉन्क्रीट के रास्ते नजर आ रहे हैं, 2004-05 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने पूरे इंडिया में 65 सिटीज सेलेक्ट किया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान की योजना उन्होंने स्टार्ट करवाई, ABC कैटेगरीज ऑफ सिटीज इंक्लूड की गई, मीरा भयंदर डी कैटेगरी में आती थी। गुलाम नबी आजाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स थे, मेरे उनसे ताल्लुकात भाई जैसे। मीरा भयंदर को हमने उसमें इंक्लूड किया डी कैटेगरी होने के बावजूद, 950 करोड़ वी बॉट इट, 550 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, बसेस के लिए, ओपन नालों को पक्का बनाने के लिए, कॉन्क्रीट के रास्ते बनाने के लिए, शहर में जो तालाब है उसका सुशोभीकरण करने के लिए, वही पैसे आज तक आ रहे हैं, वही उसी से काम चल रहा है। उसके बाद विलासराव देशमुख ने जो डी कैटेगरी की म्युनिसिपैलिटीज है उसके लिए महाराष्ट्र नगर उत्थान का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसमें सोलार की स्ट्रीट लाइट्स थी, मंदिर, बालवाड़ी, उसका डेवलपमेंट, रास्ते, गटर, डी कैटेगरी की म्युनिसिपैलिटीज का, हमने उसमें से पैसे लाए, उसमें से भी पैसे लाए, और उसके माध्यम से ये कॉन्क्रीट के रस्तों का जो काम आया आपको चलता नजर आता है। ये सृष्टि के पास का पिछले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जब आप थाने में मुख्यमंत्री को ला करके वहां बोला गया कि हम ये कॉन्क्रीट का नाला बनाएंगे, वो पैसे वही सरकार के, उसी वक्त के पैसे, मगर काम वो भी नहीं हुआ आज, वो भी काम आज तक नहीं हुआ। मेरा जो इलेक्शन लड़ने का जो कारण है, जो ये पर्पस है, कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है मुझे, मैं आज पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं एक मीरा रोड के वार्ड प्रेसिडेंट से अपने जीवन में 30 साल में आई हैव अचीव्ड अ स्टेचर स्टेटस विद अ रेपुटेशन गुडविल and without a tarnish on my car.
It's a big achievement for me. आज मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, कल सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाने का रोल मेरे पास मेरा भी है. आज महाराष्ट्र में टिकट बांटने में आई वॉज वन ऑफ द पर्सन. मगर मैं ये चुनाव शहर के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं. मुझे टोल नाका हटाना है. आप लोग में से कितने लोग मेरा साथ देंगे टोल नाका हटाने के लिए? सभी लोग. और गांधी जी के मार्ग से चलूंगा. सरकार अगर नहीं बनी, सरकार बन गई तो मैं तो मंत्री हूं. हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने उस दिन ओपनली जाहिर कर दिया. और नहीं बनी तब भी बहुत ही आराम से हटे. आप और हम खाली 500 गाड़ी उस तरफ से, 500 गाड़ी इस तरफ से टोल नाके पे ले जाएंगे, लाइन से खड़ी करेंगे, लॉक कर देंगे, चाबी लेके घर पे आके सो जाएंगे. इज इट इम्पॉसिबल? टेल मी, इज इट इम्पॉसिबल? 50,000 कम्यूटर्स आर ट्रेवलिंग एवरी डे. आई गॉट द स्टैटिस्टिक्स विथ मी फ्रॉम दिस हाईवे टूवर्ड्स मुंबई, टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स. इज इट इम्पॉसिबल फॉर 1,000 कार्स टू अरेंज दिस? नो. आप बताइए, 10 घंटा बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहां से ढूंढेगी आरटीओ? नंबर प्लेट पे से ढूंढ के आपके पास आएगी? कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? कौन से जेल में रखेंगे? कितने दिन रखेंगे? टो करने के लिए कितना वक्त लगेगा? जब तक के हाईवे तो बंद हो जाएगा. नेशनल न्यूज बनेगी? नहीं बनेगी. अरे नेशनल न्यूज आज भले किसी एक पार्टी को दिखाती है, एक नेता को दिखाती है, मगर उनको भी न्यूज वैल्यू लगता है. जब इस तरह का कोई एजिटेशन होगा और पब्लिक एजिटेशन करेगी, तब तो उनको कवरेज देना पड़ेगा. और जनता के आगे किसी की आवाज नहीं चल. मीरा रोड लोकल शुरू करनी है. जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैं कर सका, तो आज तो आप लोगों का साथ है, 15 लाख जनता का साथ है. क्या इम्पॉसिबल होगा? रेल रोको आंदोलन अभी भी हमने किया था उस दिन, जब महिला स्पेशल ट्रेन उन्होंने बंद कर दी थी. हमने फिर से चालू कराई उसको, सिर्फ 2 नोटिस दी, पुलिस को दी, रेलवे को दी, जीएम को दी, कि रेल रोको आंदोलन करेंगे अगर 25 दिसंबर को महिला लोकल जो आपने भयंदर से बंद करी है उसको अगर नहीं चालू किया तो. चालू हो गई. तो मैं तो आपके इन सारे प्रश्नों के लिए जेल जाने तैयार हूं. मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बंद करके 15 साल हो गए, आपकी मालूमात के लिए बताता हूं. मेरा कोई बिजनेस मैंने बाकी रखा नहीं. अस्पताल पूरा फिलंथ्रोफिक काम हमारा चलता है, स्कूल हमारा फिलंथ्रोफिक काम चलता है. मेरी स्कूल की फी आज भी 700 रुपए है. उर्दू मीडियम की स्कूल आज भी 50 रुपए है और गवर्नमेंट से 1 रुपए हम लेते नहीं है. चैरिटी का काम भगवान की कृपा से ईश्वर ने जितना हाथ में लिखा है उतना चलते रहता. पैसा कमाने की कोई इच्छा बची नहीं है. जो इंसान बैलगाड़ी में अपना बचपना बिताया है, आज वो मर्सिडीज और प्राइडो में घूमता, इससे ज्यादा जीवन में मुझे और कुछ जरूरतें नहीं. जो कुछ है मैं बहुत ही खुश हूं. बच्ची डॉक्टर है, एमडी है, बच्चा एमबीए हो गया, यूएस चला गया है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बीवी अपना कारोबार करती है. मेरा पैसा नहीं है, उसकी माँ ने दिया. हाँ मैं बता देता हूं, हमारा जीवन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है एकदम. और कोई बात छुपाने की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं. मेरे पिताजी को पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, सिंपल सा एकदम बनियान पहन के, पैजामा पहन के घर के बाहर बैठते हैं. आप पैसे देखा है किसी ने? जरा हाथ उठा के बताई. मेरी मदर डिप्टी मेयर थी म्युनिसिपैलिटी की, ना गाड़ी नहीं वापरी, रिक्शा में म्युनिसिपैलिटी जाती थी, अभी भी जाती है. घर में 10 गाड़ियां है लेकिन वो रिक्शा में उतर जाएगी, रिक्शा में बैठ करके म्युनिसिपैलिटी चले जाएगी. तो हमको और हमारे परिवार को कोई धन संपत्ति में कोई लोभ नहीं है. ये शहर हमारा है, आप हमारे घर के परिवार के सदस्य हम समझते हैं. ये शहर को हम अपना परिवार समझते हैं. और जब अपने परिवार पे जो आंच आती है, परेशानी आती है, उसके खिलाफ में आवाज उठाने की जिम्मेदारी हमारी होती है. और ये जिम्मेदारी को समझ के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं. मैं समझता हूं कि आप लोग मेरा साथ जरूर दोगे. अक्सर मैं आता हूँ, नवरात्रि में कभी बुलाते हैं, गणपति में बुलाते हैं, परसों भी हम आए थे. जो हमारे दोस्त हैं मैं उनको देखने के साथ दिलीप कुमार कहता हूँ. लेकिन जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मैं कभी वहां भाषण नहीं करता, मेरी आदत नहीं, मेरा एक प्रिंसिपल. मैंने अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल रखे हैं, कुछ एथिक्स पाले हैं. उसमें से ये है
कि धर्म धर्म की जगह पे सिर्फ धर्म कर्म होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। वो करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। परसों भी मैं आया था और इतना बढ़िया सब फैमिली मेंबर्स, इतना बढ़िया केरला डांस यहाँ पे चल रहा था। अमरीश भाई अपनी बीवी की, भाभी जी की तस्वीर निकाल निकाल के खुश हो रहे थे। सभी जो शोहर थे अपनी बीवी के और बहन या बच्चों के तस्वीर निकाल के खुश हो रहे थे। ये जो एक एटमॉस्फेयर होता है और उसको देखने का एक जो आनंद होता है, उसे जाकर के अगर कोई खराब करे तो मन से बदुआ निकलती है, दुआ नहीं निकलती। कोई पूजा कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, उसमें जाकर के आप अपनी टांग अड़ा दो कि मुझे भाषण करना है, मेरा सत्कार करो, तो जिसकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कहां से तुमको बख्शेगा? बख्शेगा क्या? तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत मैंने अपने जीवन में रखे और मैं खुश हूं। मुझे कोई गम नहीं कि मैं क्या हूं, मेरे से पीछे कोई आया तो कोई कितना बड़ा बन गया है, कितने हजार करोड़ बन गए। अलेक्जेंडर भी दुनिया में आया था, खाली हाथ चला गया। वो कवाली है, दिलीप साहब कभी सुनाइएगा। तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कल रात में ये मुझे बताया गया अमरीश भाई ने, थापा भाई ने और तमाम लोगों ने कि सर आप आकर के 5 मिनट तो भी मिल करके चले जाइए। मैंने कह रहा यार अभी उस दिन आया, लोगों ने मुझे देख लिया है। नहीं नहीं बोले साहब, आप आके 2 मिनट तो भी लोगों के मिलके जाइए। तो आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे आपकी सेवा करने का मौका जरूर दोगे। 21 अक्टूबर को ये चुनाव है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन की छुट्टी है, कहीं घूमने मत चले जाइएगा। अगर आप घूमने चले गए तो आपका टोल नाका वहीं रह जाएगा, मीरा रोड लोकल चालू नहीं होगी, गब्बर सिंह के आदमी फिर टैक्स वसूल करने आ जाएंगे। तो ये सब चीजों से अगर निजात चाहते हो तो मुझे जरूर चुन के भेजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।